Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बेलगाम सरकारी जमीनों के बाद कौमी वर्षा करार दी गई इमारतें भी साफ करना शुरू कर दी। चार कदीम इमारतों आज शुरू करा दी। एंटी करप्शन के तहकीकात में डायरेक्टर बिल्डिंग कंट्रोल सदर टाउन समेत अमला मुलविस करार। मेरे सामने कोई अकाउंट नहीं खोला गया, पेश की वो मैंने नहीं खोले। असासा जात रेफरेंस में गवाह तारिक जावेद का बयान। गवाह कंपनी कानून ने एक्सपर्ट नहीं है। नए प्रोसिक्यूटर के दलाइल में इनके पेश किए गए आंखें बंद करके रिकॉर्ड पेश किया है तो बताएं। इसहाकदार के वकील ख्वाजा हारिस का सवाल। इसहाकदार के खिलाफ एहतसाब अदालत में समाज जाए। पार्टी फंडिंग का मामला हाईकोर्ट में से रेलतवा है। पीटीआई की जो तफसीलात जमा कराई गई उनका जायजा लेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। पीटीआई पार्टी फंडिंग केस में रिमार्क्स। पीटीआई ने जो तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में फराहम की वही यहां कोर्ट के फैसले के पाबंद है। अकबर एस बाबर के वकील के दलाइल। समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी। अकबर एस बाबर ने पीटीआई पार्टी फंडिंग के तफसीलात वेबसाइट पर डालने का इंतखाबात के नतीजे हमारे हक में आएंगे। इमरान खान की नाअहली का कोई इम्कान नहीं। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। फवाद चौधरी बोले इमरान खान के केस की तमाम मनी ट्रेडिशनल और आईनी इदारों का टकराव चाहते हैं। बाबर आवान ने फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। इलेक्शन का पीटीआई का फौरी इलेक्शन का मुतालबा 100% आईनी है। आईन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि निजाम मत कराओ। खान साहब का केस है, इसका दूर दूर तक पैनामा पेपर्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो इंटरिम रेफरेंस है, यानी अभी तक उनको पता नहीं चला कि हमने किस जुर्म में इनको ठहराना है जिम्मेदार। इसहाक डार केस का पानामा केस से कोई नहीं पता इसहाक डार को किस केस में धरना है। लीगी रहनुमा दानियाल अजीज की तनकीद। कहा मुखालफीन अवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती का घर नहीं संभाल सकता वो पाकिस्तान कैसे संभालेगा। कारकुनों के बाहमी इख्तलाफात से इलेक्शन कारकुन इख्तलाफात खत्म करें। 1 लाख से ज्यादा वोट का टारगेट था, कम क्यों पड़े। मरियम नवाज की एनए 120 पर इंतखाबी मुहिम चलाने वाले कारकुनान से गुफ्तगू। इख्तलाफात पर सरजनिश। कहा मुख्तलिफ इलाकों से हारना अफसोसनाक है। कमीशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के खिलाफ नहीं लेकिन ऐसा तजुर्बा नहीं करेंगे जिससे जमहूरियत पर सवाल उठे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबर याकूब का इंतखाबी इस्लाहात एक्ट से मुतालिक फिर से इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात मिले। एक ताकतवर और खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन तश्कील पा चुका। अफगानिस्तान में कायम अमन को कैसे यकीनी बनाया जाए। तालिबान का अफगानिस्तान में किरदार क्या होगा। मस्कत में अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान चीन अमेरिका और अफगानिस्तान में मुजाकरात जारी। सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ पाकिस्तानी वफ्द की क्यादत कर रही हैं। मुल्ला अख्तर मंसूर की हलाकत के बाद अफगान अमन अमल मुअत्तल हो गया। लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल के बोन मैरो आज दो बच्चे दम तोड़ गए। अस्पताल इंतजामिया ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। वजीर आला पंजाब ने चंद हफ्ते कबल ही सेंटर का इफ्तिताह किया था। 7 रोज गुजर गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन में मुजाकरात कामयाब ना हो सके। असातिज़ा की हड़ताल के बाइस फाटा और खैबर पख्तूनख्वा अमल मुअत्तल। मुजाहिरीन की डेडलाइन आज खत्म हो जाएगी। मुतालबात मंजूर ना होने पर टीचर्स कल बनीगाला में धरना देंगे।
आज हमने फाइनल डेडलाइन दी हुई है कि हमारे साथ बैठे इस मसले को हल करें। अगर आज हल ना हुआ तो इंशाल्लाह फिर हमारा कल बनिगाला का प्रोग्राम है और ये मसले फिर बनिगाला में दो टोक अंदाज में हल होंगे और फाइनल अंजाम। चिन्योट के सरकारी स्कूल में कमसिन बच्चों से जबरी मुशक्कत लेने का इंकशाफ, असातिज़ा ने बच्चों के हाथ में किताबों के बजाय झाड़ू थमा। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अजमल मियां कराची में असर में अदा की जाएगी। साबिक चीफ जस्टिस को मेवाशाह कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ज़ादा लियाकत अली खान का 66वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। उन्हें रावलपिंडी के लियाकत बाग में गोली मारकर शहीद कर दिया गया था। मुसलमानों की मुश्किलात कम ना हुई, दरियाए नीफ में रोहिंग्या मुसलमानों की कश्ती डूब गई, 8 अफराद जान। तलाश का अमल जारी, कश्ती में 50 अफराद सवार थे। 1.5 माह के दौरान कश्तियां उलटने से तकरीबन 200 रोहिंग्या मुसलमान।